everyone, my name is Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. First article we have is Center agrees to grant permanent commission to 11 women army officers. So recently center government ne manzoori de di hai to grant permanent commission 11 women's ko jo ki ek eligibility criteria ko satisfy karti hain and ye sabhi jo hai wo supreme court ki manzoori se hua hai. Supreme court dwara avmanan karyawahi shuru hone ke baad hi ye sab cheeze hui hai. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती थी बट अब उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के अंदर ये पीसी जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा बाय बेंच लेड बाय जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड ऑल्सो एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन विमेन ऑफिसर्स जो होते हैं उन्होंने अभी तक कोर्ट का सहारा नहीं लिया था एंड यस वो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है वो मीट करते हैं तो उन्हें भी जल्द ही पीसी ग्रांट कर दिया जाएगा विद इन नेक्स्ट 3 weeks एंड ये भी गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है. रिसेंटली इन अक्टूबर सरकार ने इसी तरह 39 एसएससी महिला अधिकारियों को पीसी देने के पक्ष में सरकार के साथ हस्तक्षेप किया था. तो सबसे पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि परमानेंट कमीशन होता क्या है. परमानेंट कमीशन एक करियर है आर्मी में टिल रिटायरमेंट, ठीक है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है, ये एक सर्विस होती है जो कि सिर्फ 10 साल के लिए जो है वो लागू की जाती है. 10 साल के बाद सभी अधिकारियों के पास एक ऑप्शन होता है कि या तो वो इस जॉब को छोड़ दें एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि वो परमानेंट कमीशन को ज्वाइन कर लें आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है. लेकिन अगर कोई ऑफिसर को परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाता है तो उसकी जगह उन्हें एक्सटेंशन मिलता है एसएससी में. परमानेंट कमीशन वर्सेस शॉर्ट सर्विस कमीशन. सो एसएससी मीन्स एन ऑफिसर्स करियर विल बी ऑफ लिमिटेड पीरियड, ठीक है. सिर्फ 10 साल के लिए ही ये पीरियड होता है एंड परमानेंट कमीशन जो होता है वो रिटायरमेंट तक यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज पीएम मोदी लॉन्चेस स्कीम फॉर रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स लिए हैं ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि पहला इनिशिएटिव है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरा इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड अवेंसमेंट स्कीम. सो सबसे पहले बात करते हैं रिटेल डायरेक्ट स्कीम की. सो इसके अंदर आरबीआई ने छोटे निवेशकों के लिए ये स्कीम शुरू की है जिससे कि निवेशक आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर सकते हैं एंड इससे निवेशक देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे सकते हैं. अब छोटे निवेशकों को एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा जिसका कि नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट .org.in. इस पोर्टल पर जाकर वो अपना गिल्ड अकाउंट खोल सकते हैं और बैंक अकाउंट से सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं एंड ये जो भी फैसिलिटीज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है सरकार के द्वारा. अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड अवेंसमेंट स्कीम की. यह क्या है, यह एक मौजूदा लोकपाल योजनाओं को इंटीग्रेट करता है यानी कि एकीकृत करता है. यह सेवा में कमी से संबंधित सभी शिकायतों को स्वीकार करता है एंड ये योजना आरबीआई द्वारा फाइनलाइज्ड 11,352 बैंक्स एमबीएफसी पीपीआई इश्यूअर्स को इंटीग्रेट करेगी. इसमें क्या होगा कि शिकायत करने तथा उसको ट्रैक करने के लिए सभी ग्राहकों को अब सिर्फ एक ही पोर्टल पे लॉगिन करना होगा एंड इनका जो एक टाइटल है वो टाइटल ये है वन पोर्टल वन ईमेल एंड वन एड्रेस, ठीक है. यानी कि एक पोर्टल एक ईमेल और एक एड्रेस की हेल्प से ही हम किसी भी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं एंड अपनी कंप्लेंट को जो है वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज साइबर क्राइम वेंट अप टू 500% ड्यूरिंग पेंडेमिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. सो रिसेंटली एक इवेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत ने इस बात पे जोर डाला है कि एक नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि हम साइबर अटैक्स पे कंट्रोल कर सकें एंड अपने देश को इन चीज़ों से बचा सकें. उनका कहना है कि लास्ट ईयर से यानी कि COVID-19 के टाइम से ये चीज़ें यानी कि साइबर क्राइम्स जो हैं वो 500% तक इंडिया में बढ़ चुके हैं. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है पेंडेमिक की वजह से. इसी वजह से जो भी डेटा है वो सब ऑनलाइन शेयर हो रहा है, ओपन डोमेन्स पे शेयर हो रहा है
एंड साथ ही इसका एक रीजन ये भी बताया जाता है कि डिजिटल पेमेंट्स जो भी हम लोग करते हैं, इसकी वजह से भी साइबर क्राइम्स एक हायर लेवल पे इंक्रीज हो रहे हैं. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान. सो रिसेंटली एक रीजनल सिक्योरिटी समिट जो कि होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, उसमें 8 देशों ने भाग लिया था जिसमें ईरान एंड रशिया भी शामिल थे. सो दिस वॉज द थर्ड मीटिंग. पहले ये मीटिंग 2018 में रखी गई थी एंड 2019 में रखी गई थी ईरान द्वारा. 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये मीटिंग जो है वो कैंसिल हो चुकी थी. सो इस कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया था हर एक देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने. इस कॉन्फ्रेंस में ये भी अनाउंस किया गया है कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट और टेररिस्ट की ट्रेनिंग, उन्हें छुपाना या उन्हें फाइनेंस करने से रिलेटेड कोई भी एक्ट नहीं किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा. सो कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की है जिसे कि दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान बोला गया है. एंड साथ ही द डिक्लेरेशन एम्फेसाइज्ड ऑन सिक्योरिटी एंड स्टेबल अफगानिस्तान, कंडेमनिंग टेररिज्म, इंश्योरिंग फंडामेंटल राइट्स, कलेक्टिव कोऑपरेशन एंड द रोल ऑफ यूएन, ये सब चीजें जो है इन पे यहाँ पे फोकस किया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज करंट अकाउंट डिफिक्ट टू हिट 1.4% ऑफ जीडीपी बाय मार्च. सो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट जो कि प्रोवाइड करवाई गई थी ब्रिटिश ब्रोकरेज बार्कलेज के द्वारा, उनका कहना है कि इंडिया में ट्रेड डिफिक्ट जो है वो जुलाई 2021 से कॉन्टिन्यूस जंपिंग कर रहा है. द वाइडनिंग करंट अकाउंट डिफिक्ट इज ड्रिवन बाय द मैसिव स्पाइक इन कमोडिटी प्राइस लेड बाय क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चे तेल की वजह से ये हो रहा है. द कैड इज एक्सपेक्टेड टू रीच $45 बिलियन और 1.4% ऑफ GDP बाय मार्च 2021 एंड इससे कमजोर आर्थिक सुधार पर जो है वो प्रेशर पड़ सकता है. सो करंट अकाउंट डिफिक्ट होते क्या है? A current account defect occurs when the total value of the goods and services a country imports exceeds the total value of goods and services it exports, and the balance of exports and imports of goods is referred to as the trade balance, and also trade balance is a part of current account balance. Some factors that are involved in India's current account defects are high oil imports and high gold imports. Next article is ISA and UNFCCC ink pact to fight climate change. So recently COP26 conference जो कि ग्लासगो में रखी गई थी, वहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने क्लाइमेट चेंज पर एक सम्मेलन में समझौता किया है. एंड ऑल्सो ISA एंड UNFCCC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एट COP26 जिसपे कि ग्लोबल एफर्ट्स पे फोकस रखा गया है, दैट इज टू कोलेबोरेट एंड सपोर्ट द पार्टीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑन एम्बिशियस नेशनल एक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया एंड फ्रांस टू होल्ड 6th एडिशन ऑफ बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइजेस. सो नवंबर 2021 में फ्रेजस जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे 6th एडिशन होगी ऑफ इंडो फ्रेंच शक्ति 2021, जो कि एक बायलेटरल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है. एंड इंडिया की तरफ से एक प्लेटून स्ट्रेंथ ऑफ गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री बटालियन विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज. एंड साथ ही भारत ने पहले ही वर्ष की शुरुआत में फ्रांस के साथ संयुक्त वायु यानी कि ज्वाइंट एयरफोर्स एंड नौसेना यानी कि नेवल एक्सरसाइजेज जो है वो स्टार्ट कर दी हैं. इंडिया एंड फ्रांस के बीच में बेसिकली 3 डिफेंस एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें से कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वरुणा यानी कि नेवल एक्सरसाइज, सेकेंड है डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुड़ा, ये है एयर एक्सरसाइज, एंड थर्ड एक्सरसाइज है शक्ति जो कि है आर्मी एक्सरसाइज. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज यूएस इजराइल यूएई बहरीन लॉन्च जॉइंट नेवल ड्रिल्स इन रेड सी. सो रिसेंटली 3 गल्फ कंट्रीज बिगिन अ नेवल एक्सरसाइज विद इजराइल, एंड ये है एक 5-day मल्टीलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन एक्सरसाइज जो कि रेड सी में स्टार्ट हुआ है. It include forces from United Arab Emirates, Bahrain, Israel and the United States Naval Force Central Command, that is NAVCENT. Okay,
It aims to enhance interoperability between participating forces. And ये पहली बार है, it is the first publicly acknowledged naval exercise between the United States, Israel and two Gulf countries. Next article we have is World Diabetes Day. So World Diabetes Day यानी कि विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है to mark the birthday of श्री फ्रेडरिक बेंथिंग हु डिस्कवर्ड इंसुलिन हार्मोन अलोंग विद चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट इन 1922. सो द थीम ऑफ वर्ल्ड डायबिटीज डे 2021-23 इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर. इन्होंने इंसुलिन हार्मोन को डेवलप किया था 1922 में. ऑल्सो द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन सोसाइटी, encourage early diagnosis and support those affected. World Diabetes Day become an official day in 2006. Next article we have is India and Thai navies begin 3-day coordinated patrol. So 12th to 14th November 2021 में 32nd edition of India Thailand coordinated patrol, जिसे कि इंडो थाई कॉर्पैट भी बोला जाता है, वो लॉन्च किया जा रहा है बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी. इसमें इंडियन नेवल शिप दैट इज NSI, जिसका नाम की करमुक है, जो कि एक इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्बेट है, एंड हिज मेजिस्ट्रीज थाईलैंड शिप जिसे कि HTMS बोला जाता है, जिसका नाम टायनचोन है, अ कमर्सन क्लास एंटी सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट है ये, अलॉन्ग विद मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोथ नेवीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉर्बेट. साथ ही हम सभी को पता होना चाहिए कि कॉर्बेट नेवल एक्सरसाइज होता क्या है. सो इंडिया एंड थाईलैंड हैव बीन कैरिंग आउट कॉर्बेट अलॉन्ग देयर इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री लाइन ट्वाइस अ ईयर सिंस 2005. एंड इसके अलावा इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में दो और मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें कि पहली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मैत्री, MAITREE, मैत्री, जो कि रिलेटेड है आर्मी से. एंड दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सियाम भारत, जो कि रिलेटेड है एयर फोर्स से. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज कंट्रीज अडॉप्ट ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट एट COP26. सो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के इंटेंस नेगोशिएशन के बाद लगभग 200 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है ग्लासगो का क्लाइमेट पैक्ट. एंड इसमें ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है वो एक ग्रीन हाउस क्लाइमेट पैक्ट है, ठीक है, जिसमें कि दे आर एक्सप्लिसिटली प्लानिंग टू रिड्यूस कोल, द वर्स्ट फॉसिल फ्यूल फॉर ग्रीन हाउस गैसेस. द डील ऑल्सो प्रेसेस फॉर मोर अर्जेंट एमिशन कट्स एंड प्रोमिसेस मोर मनी फॉर सम डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम अडेप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट. दैट्स ऑल फॉर टूडेज करंट अफेयर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.